कॉन्ट्रेक्टर सेवा संस्थान द्वारा लखनऊ में जानकीपुरम में मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। साथ ही संस्था द्वारा गरीब मजदूरों को कंबल वितरित किए गए। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गरीब मजदूरों का हक छीन लिया जाता है और इसलिए कॉन्ट्रेक्ट सेवा संस्थान की स्थापना के है ताकि गरीब मजदूर का भला कर सकूं। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार बीबी सिंह चौहान, पत्रकार ताहिर वारसी, कुलदीप सिंह कपिल आदि मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं लखनऊ के जानकीपुरम में मौजूद हूँ। यहाँ पर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कॉन्ट्रेक्टर सेवा संस्थान के द्वारा जो है खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है और गरीबों को कम्बल बांटने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे खुद जानूंगा आखिर वो किस लिए गरीबों को इस तरीके से सेवाएं दे रहे हैं, उनके क्या उद्देश्य है जनता के बीच में, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे खुद जानेंगे। क्षेत्र में भ्रमण करता रहता हूँ, हमने भ्रमण करके देखा कि क्षेत्र में ऐसे बहुत से मजदूर है जिनको रात में लेटने में ठंड लगती है, उनके पास बिस्तर की व्यवस्था नहीं है और इस तहरी भोज पे हमने कहा कि उनको तहरी का भोजन भी उनके साथ किया जाए मकर संक्रांति पे और उनको कम्बल इसलिए वितरित किया जाता है ठंड से वो बचे और अगर उनको कहीं रहने की समस्या है तो उनको रहने की भी व्यवस्था हमारा लखनऊ कॉन्ट्रेक्टर का करना पड़ा। 2019 आ रहा है, जो इलेक्शन आ रहा है लोकसभा चुनाव का, तो कहीं आप ऐसा तो नहीं अपने आप खुद प्रत्याशी बनने वाले हैं या? नहीं नहीं, चुनाव से मेरा कोई मतलब नहीं है, हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं है क्योंकि मजदूरों के लिए कोई संस्थान कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा लखनऊ कॉन्ट्रेक्टर सेवा संस्थान जो उत्तर प्रदेश में इकलौता ऐसा संस्थान है जो मजदूरों के लिए हित कर रहा है उनके लिए। बिल्कुल, हमारे साथ में जो लखनऊ के जिला अध्यक्ष कॉन्ट्रेक्टर सेवा संस्थान के हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि वो। लखनऊ कॉन्ट्रेक्टर सेवा संस्थान का जिला अध्यक्ष विजय प्रकाश हूँ। मैं जितने गरीब मजदूर भाई हैं मैं यही चाहता हूं कि उनको कितने लोग जुड़े हुए हैं, कहां कहां से जुड़े हुए हैं? अरे कई कई देशों से गरीब आदमी हमारे पास जुड़े हुए हैं, जिलों से, कई जिलों से जुड़े हुए। हाँ जी, और मैं चाहता हूं कि हर गरीब मजदूर को हमारी सेवा मिलती रहे और मैं उनका साथ देता रहूं। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि गरीबों के साथ जो हम कार्य कर रहे हैं वो किसी सियासत के चलते नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ हमारा कार्य करने का मतलब है गरीबों को सही योजनाएं मिले हमारी तरफ से। हमारे ईश्वर ने मुझे दिया, इनका कहना ईश्वर ने मुझे दिया है तो उसे बांटने में हरज क्या है। हमने इनसे ये भी जाना कि कहीं आप राजनीतिक पार्टियों के चलते ये काम नहीं कर रहे, इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। देखते रहे द न्यूज़ इंडिया, कैमरामैन सुलेमान।